हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हीरो लेक्ट्रो C8 की बैटरी का थ्रॉटल मोड में मोस्ट एक्यूरेट बैटरी टेस्ट करके दिखाने जा रहा हूँ कि ये कितना माइलेज देती है। मेरी बैटरी मीन्स मेरे लेक्ट्रो C8 की बैटरी पूरी तरीके से चार्ज है। मैंने पैडल असिस्ट मोड बंद कर रखा है, यहाँ से थ्रॉटल मोड ऑन है और मैं अपने टेस्ट के लिए मैं साथ में सैमसंग का हेल्थ ऐप चला दे रहा हूं। उसका माइलेज डेटा ज़्यादा एक्यूरेट होता है। बैकअप के लिए मैं अपने वॉच में भी आउटडोर साइकिलिंग ऑन कर दे रहा हूं, ये भी मुझे डेटा बताती रहेगी। और अभी मैं टाइम वार्प यूज़ करूंगा अपने गोप्रो 9 में ताकि वीडियो मैनेजेबल हो सके। तो आप देख सकते हैं पहले 3 किलोमीटर पूरे हो गए हैं हमारे चलाने के, बैटरी अभी भी चारों पॉइंट्स जल रहे हैं। और अभी मैं अपने टाइम वार्प की स्पीड काफ़ी बढ़ा देने वाला हूं ताकि ये लंबा रास्ता आपको उतना खले नहीं। तो वापस टाइम वार्प पे जाता हुआ आप देख सकते हैं हम लोगों ने लगभग 6 किलोमीटर कवर कर लिया है और सारे बार्स अभी भी 4 ऑन हैं, सारे इंडिकेटर्स, सो बैटरी इज़ डूइंग गुड। अभी मैं टाइम वार्प की स्पीड थोड़ी स्लो कर देता हूं ताकि आप आगे का जो बढ़िया दृश्य है उसका भी आनंद उठा सकें। आप इसमें एक मज़ेदार चीज़ नोटिस कर सकते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो और मेरा इंडिकेटर दिख रहा हो तो आपने देखा होगा कि मेरा ये 8 किलोमीटर पार करने के बाद मेरा एक इंडिकेटर कम हो गया था। अभी आगे स्लोप आने वाला है तो अपने आप, मैंने यहाँ साइकिल रोकी और ये अपने आप चौथा इंडिकेटर जो है वापस ऑन हो गया। इसका मतलब इंडिकेटर बहुत एक्यूरेट नहीं है, ठीक है, इस पर बहुत ज़्यादा यकीन मत करिएगा। आगे स्लोप है सो फिर मैं वापस टाइम वार्प पे जा रहा। देख सकते हैं मैंने 12.59 किलोमीटर्स का सफ़र कर लिया है बैटरी पे प्योर थ्रॉटल मोड पे। इसमें एक डिस्क्लोज़र ये करना है कि बहुत सी जगह पे मुझे ज़बरदस्त स्लोप मिला था जहाँ पे इवन इफ़ मैं थ्रॉटल को फुल करके रखूँ बैटरी को कोई काम करना नहीं पड़ रहा था। सो मैं इसी रास्ते से वापस जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ मेरे GoPro की बैटरी भी उतना लास्ट कर जाएगी, ठीक है। और अभी आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट्स अभी भी इंडिकेटर बता रहा है। सो अभी मैं वापस मुड़ रहा हूँ यहाँ से और मैं यही रास्ता लूँगा।
अभी मैंने टाइम वार्प पे रियल स्पीड डाल के छोड़ दिया है। आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले आपको मेरी बैटरी का इंडिकेटर 1 दिखा होगा, अभी ये वापस 3 दिखा रहा है और आगे ज़बरदस्त चढ़ाई है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये इंडिकेटर फिनिकी होता है। सो अभी आप देखते रहिए मेरा इंडिकेटर, मैं पूरी तरीके से इंडिकेटर पे फोकस कर दे रहा हूँ कैमरे को। इंडिकेटर 3 दिखा रहा है, हम 14.79 किलोमीटर्स पे हैं। इंडिकेटर 1 हो गया, 3 से 1 का जंप थोड़ा सा वियर्ड है। ये बताता है कि हम इस पे रिलाई नहीं कर सकते हैं पूरी तरीके से, ये एक्यूरेट नहीं है। अभी मोटर को ज़ोरदार काम करना पड़ रहा है, बैटरी अपनी पूरी ताकत लगा रही है मोटर में और नतीजा है कि इंडिकेटर बहुत कम हो गया। तो या तो ये सुपर एक्यूरेट है या फिर ये काफ़ी इनएक्यूरेट है। देखते हैं ये मुझे वापस घर तक पहुंचाता है या मुझे धक्के मार के ले जाना पड़ेगा इसे। दो पहिया है, साइकिल है, धक्के नहीं मारूंगा, एक्चुअली पैडल मारूंगा, ठीक है। सो अभी चढ़ाई ख़तरनाक आ रही है। सो ये चढ़ाई जा रही है, अभी इंक्लाइन बहुत तगड़ा नहीं है लेकिन बहुत दूर तक है। सो इंक्लाइन पे कैसा काम कर रही है ये भी आप देख सकेंगे। मैं अभी इसको नॉर्मल रियल स्पीड पे लेके चल रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये कैसे परफॉर्म कर रही है। उम्मीद है मेरा गोप्रो 9 भी साथ निभाता रहेगा। मेरे पास इसका बैकअप बैटरी नहीं है, सो अगर बीच में ये बंद हो गया तो फिर वीडियो की कहानी बीच में अटक जाएगी। देखना है इन दो हीरो में से कौन सा हीरो पहले दम तोड़ता है। अभी आप देख पा रहे होंगे इंक्लाइन है, आप महसूस कर सकते हैं वीडियो में इंक्लाइन को। अभी बैटरी लगातार 1 पे चल रही है। अभी अगर मैं थोड़ी देर के लिए साइकिल रोक दूं या मुझे स्लोप मिल जाए जैसा आगे मिलेगा, आप देखेंगे अचानक से बैटरी का इंडिकेटर वापस 2 या 3 पॉइंट पे आ जाएगा। आगे आप देख पा रहे होंगे आगे स्लोप आने वाला है, थोड़ी दूर और इंक्लाइन है, उसके बाद ज़बरदस्त स्लोप। और मैं वही रास्ता इसलिए ले रहा हूँ कि पहले आते समय मुझे बहुत इंक्लाइन मिले और स्लोप मिला, स्लोप ज़्यादा मिला तो स्लोप पे बैटरी बची, राइट, उसकी सेविंग हुई। अभी उसी इंक्लाइन पे वापस जाने पे देखना है वो एक्चुअली एवरेज आउट कर जाएगा। सो इंक्लाइन और स्लोप का इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा, प्लस हमें ये देखने को मिल जाएगा कि इंक्लाइंस पे थ्रॉटल मोड कैसा परफॉर्म करता है। मैंने आपको पहले भी दिखाया है लेकिन ये बहुत ही लंबे इंक्लाइन है जैसा मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं है। अभी हम स्लोप पे हैं। सो ये देखिए मैंने जैसे ही छोड़ दिया थ्रॉटल मोड, मैंने थ्रॉटल को 0 कर दिया, मेरे बैटरी का इंडिकेटर 2 हो गया, किलोमीटर्स 15.95। मैंने अभी थ्रॉटल लगा दिया लेकिन बैटरी को कुछ नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि यू कैन से वी आर गोइंग डाउन हिल। सो मैं चाहूँ तो इधर निकल के शायद इंक्लाइंस को अवॉइड कर सकता हूँ लेकिन मुझे चेक करना है। देखिए इंक्लाइन आ गया, अभी मेरी बैटरी 2 पे है, आप देखते चलिए कितनी देर ये 2 पे रहेगी। मैं एक इंक्लाइन पे हूँ, आप देख सकते हैं बैटरी 1 पे चली गई। सो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से इसका इंडिकेटर थोड़ा सा फिनिकी है। ऑलमोस्ट लेवल स्लोप पे हैं और इंडिकेटर 1 पे ही है। अभी मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया, इंडिकेटर 2 पे आ गया, इंटरेस्टिंग। अब मैंने वापस थ्रॉटल ले लिया, अभी इंडिकेटर 2 पे बना हुआ है क्योंकि हम डाउनहिल जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आगे ज़बरदस्त स्लोप आ रहा है बहुत दूर तक और उसके बाद ज़बरदस्त इंक्लाइन आने वाला है बहुत दूर तक। सो मेरी इलेक्ट्रो C8 सोच रही होगी आज मैं कहाँ फंस गई।
अभी ज़बरदस्त स्लोप, बैटरी इंडिकेटर वापस दो पे, मैं अब थोड़ा रुका हूँ आपको ये दिखाने के लिए कि हमने कितना ख़तरनाक इंक्लाइन चढ़ाई की है। ये आप देख सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा कि कैसा स्लोप है। वो कार जो जहाँ जा रही है और वो अभी अभी वो कार जहाँ पहुँची वहाँ से इंक्लाइन शुरू होता है। तो हम इतना लंबा इंक्लाइन चढ़ के आए हैं और हमारी साइकिल सक्सेसफुली चढ़ गई। अभी इसकी बैटरी इंडिकेटर एक बता रहा है और आप देख सकते हैं हम 18.21 किलोमीटर्स चल के आ गए हैं। सो अभी फिर मैं वापस इसको डाल रहा हूँ टाइम वार्प पे। तो अभी हम लोग ORR छोड़ के नॉर्मल गांव के रास्ते पे आने वाले हैं। ये आखिरी हिस्सा है जो ORR का है। मैंने यहाँ से अपनी थ्रॉटल मोड में साइकिल आगे बढ़ाई। आप देख सकते हैं हम लोग लगभग 19.5 किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुके हैं। बैटरी एक पे है। ये ORR के बाहर सर्विस रोड का एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा उस पे है जिस पे मैं चला रहा था। आगे एक ख़तरनाक इंक्लाइन फिर आने वाला है, छोटा सा लेकिन ख़तरनाक, और इसके बाद मैं इसे पूरी तरीके से टाइम वॉर्प पे कर दूँगा। लीजिए। सो अभी मेरी बैटरी ब्लिंक करने लगी है, इट मींस अब ये खतरे के मोड में आ गई है, ये कभी भी डेड हो सकती है। सो मुझे लगता है कि अब मुझे थ्रॉटल मोड यूज करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये किसी भी समय मुझे धोखा दे सकती है और ये बेहतर भी नहीं है बैटरी के लिए। मैंने थ्रॉटल छोड़ दिया, बैटरी वापस से नॉर्मल हो गई। सो अभी इसने ब्लिंक करना बंद कर दिया। सो मेरा गेस है कि हम जब एक ज़बरदस्त इंक्लाइन पे थे तो मोटर को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। जिसके कारण बैटरी पे जोर पड़ा और वो बैटरी ब्लिंक करने लगी। बैटरी नहीं, इंडिकेटर ब्लिंक करने लगा। हम लोग अपने आम जीवन में अक्सर ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो गलत होते हैं। सो अभी देखिए फिर से ये नॉर्मली चल रही है और मुझे लगता है कि ये मुझे 25 किलोमीटर पूरा करवा ही देगी क्या। सो देन हैट्स ऑफ टू हीरो, उन्होंने एक बढ़िया साइकिल बनाई और लगता है कि ये जितना क्लेम करती है उतना माइलेज दे देगी मुझे। 20 किलोमीटर्स कंप्लीटेड। सो आपने सुना, डिस्टेंस 0 किलोमीटर्स, ड्यूरेशन 53 मिनट्स 4 सेकंड्स, करंट स्पीड 17.1 किलोमीटर्स पर आवर, एवरेज स्पीड 22.6 किलोमीटर्स पर आवर। ये गांव का रास्ता है, बीच बीच में रास्ता कम और ब्रेकर्स ज़्यादा बने हुए हैं, तो मेरी गति बार बार रुक रही है। लेकिन अभी आप अच्छी चीज़ देख सकते हैं कि मेरे बैटरी का इंडिकेटर वापस नॉर्मली जल रहा है, इसने ब्लिंक करना बंद कर दिया। सो जय हो हीरो महाराज की। और अभी छोटा सा इंक्लाइन आ रहा है, देखते हैं क्या इंडिकेटर फिर से ब्लिंक करेगा। जिस इंक्लाइन पे इसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया, इसका मतलब कि बैटरी अब धोखा देने वाली है। सो 20 किलोमीटर तो कहीं नहीं गया है। आप देख सकते हैं बैटरी का इंडिकेटर लगातार ब्लिंक कर रहा है।
और ये इंक्लाइन अब ख़त्म हो रहा है, अभी देखना है ये क्या करता है। अभी ये ब्लिंक पे है, मैंने थ्रॉटल एक्चुअली छोड़ दिया लेकिन इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। मुझे लगता है कि अब मुझे बैटरी को इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि ये मेरे बैटरी की सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। अब बाकी रास्ता मैं साइकिल चला के जाने वाला हूँ लगभग 4 किलोमीटर का, और वो मेरी एक्सरसाइज का पार्ट हो जाएगा। अभी हम नॉर्मल स्लोप पे चले जा रहे हैं, ना थ्रोटल मैं यूज़ कर रहा हूँ और ना ही पैडल। वापस थ्रोटल लगाया, उतनी स्पीड से आगे नहीं बढ़ रही है साइकिल। आप स्पीड भी देख सकते हैं, मेरे पास अभी स्लोप है लेकिन साइकिल की स्पीड 20 के आसपास है, जबकि शुरू में ये अच्छी खासी स्पीड दे रहा था मुझे, 25 और इवन इंक्लाइंस पे 21 की स्पीड दे रहा था। अभी मैं बैटरी को पूरी तरीके से बंद करने जा रहा हूँ। मैंने ये थ्रॉटल का बटन बंद किया और ये बैटरी ऑफ। 21 किलोमीटर्स कंप्लीटेड, रिमेनिंग डिस्टेंस 0 किलोमीटर्स, ड्यूरेशन 56 मिनट्स। अभी आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने 21 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की थ्रॉटल मोड पे, और बैटरी पूरी तरीके से जा चुकी है। ये आप देख सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तब भी बैटरी ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब बैटरी ऑलमोस्ट डेड है। फाइनली अब आगे का रास्ता मैं चला के जाने वाला हूँ, और मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे साइकिल चलाते देखने का तो आपको कोई मज़ा नहीं आने वाला है।